हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे इन ईवीएस यू हैव टू डू होम्स ऑफ एनिमल. ओके, होम्स और यू कैन राइट हाउसेज ऑफ एनिमल्स. ठीक है, जैसे आपने देखा था कि वो जो आपकी स्टोरी थी कर्ली लॉक्स एंड थ्री बियर, उसमें आपने क्या देखा था कि बियर्स कहाँ रहते हैं? कॉटेज में. ओके, बियर्स का कौन सा हाउस था? कॉटेज. तो अब आपको क्या देखना है? हाउसेज ऑफ एनिमल्स या होम्स ऑफ एनिमल्स. तो हमारा टॉपिक आज का क्या है ईवीएस में? हाउसेज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. ओके, हाउसेज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स की अलग अलग एनिमल्स जो हैं उनके अलग अलग घर होते हैं. हाँ, तो कौन कहाँ रहता है वो हम देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट वन इज, यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज आंट हिल. कि आंट जो है वो कहाँ रहती है? आंट हिल में. आपने देखा होगा चींटियाँ होती हैं वो मिट्टी का एक पहाड़ सा बना देती हैं, तो उसके अंदर वो छुप के रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आंट हिल. ओके, कि आंट किस में रहती है? आंट हिल. बर्ड, बर्ड तो सबको पता है कहाँ रहते हैं? नेस्ट. ओके, काओ, काओ कहाँ रहती है बेटा? शेड. काओ का जो हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काओ के हाउस को क्या बोलते हैं? शेड. डॉग, डॉग की एक छोटी सी झोपड़ी टाइप बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं कैनल. ओके, एलिफेंट, एलिफेंट कहाँ रहता है? फॉरेस्ट. फिश, वाटर. हनी बी, हनी बी मधुमक्खी का क्या होता है? हाइव होता है ना, बी हाइव, उसका छत्ता होता है. हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल, यानी हॉर्स के हाउस को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल. माउस, माउस कहाँ रहता है? होल, उसका एक होल बना होता है वहाँ रहता है वो. पिग, पिग के हाउस को हम बोलते हैं स्टाय. शीप, शीप का जो हाउस होता है बेटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेन. ओके, एक तो पेन, अब देखो पेन होता है जिससे आप काम करते हैं, और एक पेन क्या होता है जो शीप का हाउस होता है उसको हम पेन बोलते हैं. स्पाइडर, स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब. स्पाइडर के हाउस को क्या बोलते हैं? वेब. इसी तरह से कैट, कैट का तो कैट हाउस बोलते हैं हम उसको. नेक्स्ट इज डक, डक लिव इन द पोंड. हैन, हैन का जो हाउस होता है उसको हम बोलते हैं कूप. मंकी, मंकी कहाँ रहते हैं? ट्रीज. रैबिट, ब्यूरो. एंड टाइगर एंड लॉयन लिव इन डेन. ओके, सो स्टूडेंट टुडे यू हैव टू डू हाउसेज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. ओके, इन ईवीएस नोटबुक.